A very good morning, class 4 students. Welcome to your science class. So students, our science course is complete. Now we will start revision. So students, we will start from chapter number 3. The name of the chapter is clothes. So hum ye chapter ke quick revision lenge and then book work and new terms revise karenge. So students, clothes. So the thing is, why do we wear clothes? हम clothes क्यों पहनते हैं? We wear clothes because they cover our body and make us look smart. हमारी body को cover करते हैं and so that हम अच्छे दिखें. Then हमें sun की heat से बचाते हैं. Okay, summers में हम cotton, light colored cotton clothes पहनते हैं जिससे हम cool रहते हैं. Okay, and winters में हम woolen clothes पहनते हैं जिससे हम warm रहते हैं. रेन में हम रेनकोट, अम्ब्रेला एंड गमबूट्स यूज़ करते हैं सो दैट हम वेट ना हो जब रेन हो रही हो. देन जब बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उनकी बाइट से हमें बचाते हैं सो इसलिए हमें नाइट में फुल स्लीव्स क्लोथ्स पहनने चाहिए. एंड देन हमारे फीट को प्रोटेक्ट करने के लिए शूज़ और डिफरेंट फुटवेयर्स होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स. लाइक when we go to school we wear uniform, when we were at home we are at home we wear casual dress, when we go to parties we wear some party wear dress, and when we go to bed we wear night dress. Now students, professions are those things जिसके लिए हमें एक special training चाहिए होती है, वो occupation जिसके लिए special training चाहिए. For example, doctor ऐसी कोई भी तो नहीं बन सकता ना, एक special training चाहिए. This is a profession. Policeman, doctor, lawyer, soldier and pilot. इनको हम इनकी uniform देखकर या dress देखकर इनकी पहचान सकते हैं, इनके clothes ही इनकी पहचान होती है. So कुछ ये जो professions होते हैं इन्हें हम उनकी uniform से पहचान सकते हैं. एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहने वाले लोग अपने क्लाइमेट और ट्रेडिशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, फाइबर्स क्या होता है? क्लोथ्स बनाने के लिए जो पतला सा लंबा सा धागा चाहिए, दैट इज़ फाइबर. फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल जो हमें नेचर से मिले हैं, सेकेंड इज़ मैन मेड जो हमने बनाए हैं. नेचुरल फाइबर्स हमें दो जगह से मिल सकते हैं, दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स लाइक कॉटन के प्लांट से हम कॉटन का फाइबर मिलता है हमें, जूट, लिनन. एंड एनिमल्स से हमें वूल और सिल्क मिलता है हमें. ओके, इन्होंने बताया है कि प्लांट्स से हमें कॉटन, जूट और लिनन का क्लोथ बन जाता है. एंड जो लिनन होता है वो फ्लेक्स प्लांट से मिलता है. वूल और सिल्क जो हमें एनिमल से मिलती है, वूल मिलती है शीप से एंड सिल्क मिलती है कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म से. हम ये सब पहले पढ़ चुके हैं, राइट. नाउ स्टूडेंट, सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन नहीं होते, हमने बनाए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन एंड लाइक्रा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. ये स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर एंड ज़्यादा चलते हैं, लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. देन दे आर स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड वाटर प्रूफ ऑल्सो. नाउ हाउ डू वी टेक केयर ऑफ क्लोथ्स, हम अपने क्लोथ्स की केयर कैसे कर सकते हैं? हमें क्लोथ्स को एक अच्छे साबुन से धोना चाहिए सो दैट उसमें जो भी डर्ट और स्टेन्स और स्वेट मीन्स पसीना हो वो निकल जाए. देन धोने के बाद हमें उन्हें सन में ड्राई करना चाहिए. हमें सन कपड़ों को सन में बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. ड्राई करने के बाद हमें क्लोथ्स को प्रॉपर आयरन करना चाहिए. देन उन्हें नीटली कबर्ड और अलमीरा में रखना चाहिए. देन जो वुलन और सिल्क क्लोथ्स होते हैं उन्हें हमें ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और इन्हें हमें प्रॉपरली स्टोर करना होता है. वेन एवर हम वुलन क्लोथ्स स्टोर करते हैं अपने बेड में या ट्रंक में या जहाँ भी, हमें वहाँ पर या तो मॉथबॉल्स या फिर ड्राई नीम लीव्स को वहाँ डालना चाहिए सो दैट वहाँ पर स्मॉल इंसेक्ट्स ना हो जाए. कपड़ों की अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो लंबे समय तक चलेंगे. So students, in this you have to learn natural fiber, synthetic fiber. This is very important. Natural fiber we obtain from plant and animal and synthetic fiber, fiber made by men. Now students, book work. Cotton clothes keep us cool. Cotton clothes हमें cool रखते हैं. You wear uniform to school. हम school जाते हुए uniform पहनते हैं. Which type of clothes keep you warm in winter season? That is woolen clothes. Woolen clothes keep us warm.
नाउ इसमें से कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है? तो इट इज़ नायलॉन। कपड़ों को इंसेक्ट से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? मॉथ बॉल्स। देन वी हैव ट्रू और फॉल्स, अर्ली मैन कवर्ड देयर बॉडीज विद एनिमल स्किन एंड लीव्स ऑफ ट्रीज। येस। एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेन। अम्ब्रेला हमें बारिश में गीले होने से बचाता है। ट्रू। क्लोथ्स हमें इंसेक्ट बाइट से बचाते हैं। येस। नेचुरल फाइबर मैन बनाते हैं? नो, नेचुरल फाइबर हमें नेचर से मिलता है, सो इट इज़ फॉल्स। सिंथेटिक फाइबर इज नॉट वाटर प्रूफ, इट इज़ फॉल्स। सिंथेटिक फाइबर इज वाटर प्रूफ। ओके, नाउ टू टाइप ऑफ नेचुरल फाइबर। सो स्टूडेंट्स, कॉटन एंड वूल, टू थिंग्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन रेन। दो चीज़ें जो हमें रेन में गीले होने से बचाती हैं, अम्ब्रेला और रेनकोट। काइंड ऑफ क्लोथ्स विच कीप यू वार्म इन विंटर। कौन से कपड़े हमें विंटर में वार्म रखते हैं? वुलन क्लोथ्स। कौन से कपड़े हमें समर में कूल रखते हैं? कॉटन क्लोथ्स। आप रात को सोते वक्त कौन से कपड़े पहनते हैं? नाइट ड्रेस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू न्यू टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर। सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर दोज फाइबर विच आर मेड बाय मेन। ओके, जो हमने बनाए हैं। प्रोफेशन, एनी टाइप ऑफ वर्क दैट नीड्स स्पेशल ट्रेनिंग। कोई भी वर्क जिसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है। फाइबर, लॉन्ग थिन थ्रेड, लंबा पतला धागा, यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए यूज होता है। वाटर प्रूफ, समथिंग विच डू नॉट अलाउ वाटर टू पास, जिसमें से वाटर पास नहीं होता, दैट इज वाटर प्रूफ। रिंकल फ्री, स्मूथ और अनलाइंड, जो स्मूथ होती है और उन पर कोई सिलवटे या क्रशेस नहीं होते, वट नहीं पड़े होते, दैट इज़ रिंकल फ्री। स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल होता है कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सटेंड, जिसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे यू हैव टू रीड योर चैप्टर, लर्न बुक वर्क एंड लर्न द न्यू टर्म्स। टुमारो वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, एंड दोज हु वॉन्टेड डिटेल्ड वीडियो ऑफ अ चैप्टर कैन लुक एट माई यूट्यूब चैनल। Thank you so much. Have a nice day.